ये इसकी बनती है ऑयली लेयर। क्या बनती है? ऑयली लेयर बना, और क्या बना? वाटर बना। अब बेटा ये जो रिएक्शन है, चूंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर होगा तो ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? वी विल गेट एन ऑयली लेयर इंस्टेंटेनियसली। ये जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं ना, ये ऑयली लेयर होती है। ये ऑयली, इनका फील ऑयली सा होता है, ठीक है? तो एक्वस फेस के अंदर ही एक ऑयली लेयर बन जाएगी और हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हो गया है। और बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये चूँकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ऐसे रिएक्शन चाहिए होते हैं जिनका रिजल्ट विजुअल हो, आँखों से नज़र आए। इसी के बाद यही है कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दें या सेकेंडरी दे दें या टर्शरी अल्कोहल दे दें, होते सारे कलरलेस लिक्विड हैं, आप देख के नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपने ये रिएक्शन कराया और आपको ऑयली लेयर फ़ौरन से मिल गई, तो आप क्या कहोगे कि कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। किसी के टर्शरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ना। लेकिन अगर देखो, अगर ये, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, इससे आगे चलूँ? अगर हमने अल्कोहल, हमें तीनों तरह की मिसाल के तौर पर अल्कोहल दिए थे, तो हमने वन बाय वन ट्राई किया और हमने क्या किया कि अल्कोहल के अंदर ये डाला, जिंक क्लोराइड डाला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और हमको ऑयली लेयर नहीं मिली, फिर क्या करते हैं? फिर हमारा जो सेकंड डाउट होता है, वो क्या होता है कि शायद ये सेकेंडरी अल्कोहल हो। अब अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा मिसाल के तौर पर, तो देखो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, मैंने बस यहाँ से अल्काइल ग्रुप हटा के एच लगा दिया। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब जो बनेगा ना अल्काइल हैलाइड, वो ये बनेगा। अब चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो अब ये ऑयली लेयर जब पहली दफ़ा में नहीं बनी, तो हम फिर क्या करते हैं? 5 से 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। अगर तो ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट्स के दरमियान बन गई, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी है, ठीक है? सेकेंडरी है। देखो सुनो मेरी बात, मेरा हाँ टर्शरी में आपने बस ये रिएक्शन किया, उसी वक्त आपको ऑयली लेयर मिल जाती है इंस्टेंटेनियसली, हम कहें ये टर्शरी है। अगर नहीं मिलती तो फिर इंतज़ार करते हैं, कितना? 5 से 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। अगर उसमें बन गई तो इसका मतलब क्या है? ये सेकेंडरी। लेकिन अगर 5 से 10 मिनट में भी नहीं बनी, तो फिर नेक्स्ट डाउट क्या होगा? कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। नेक्स्ट डाउट यही होगा ना कि टर्शरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, तो प्राइमरी होगा। अब प्राइमरी होगा तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा? आपने क्या किया, यहाँ से एच हटा दिया और ये, और फिर यहाँ से भी एच हो गया। अब क्या होता है, जब 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी नहीं बनती लेयर, फिर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। फिर क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। और अगर हीट करने के बाद ऑयली लेयर बन गई, तो फिर क्या कहेंगे हम? कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब अल्कोहल ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये हमारे पास लूकस टेस्ट हुआ। लूकस टेस्ट में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड डालेंगे। ऑयली लेयर फौरन बन गई तो कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल होगा। और अगर 5 से 10 मिनट में बना तो सेकेंडरी होगा। और नहीं बना और हीट करने हैं तो रहने दो, रहने दो, ठीक है? तो अगर हीट करने पर बना तो फिर क्या होगा? तो प्राइमरी होगा। समझ में आ गई बात? तो ये लूकस टेस्ट जो है ना, हमें इस तरीके से टू बी डिफरेंशिएट अमंग द, क्यों? चलो स्टॉप कर दो।